जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल, जो सामने है ना, सूरज निकल रहा है और देखिए बहुत ही ब्राइट सा भी दिन है। अब रूम बहुत अच्छा लग रहा है ये जब से टीवी फिक्स करा है, क्योंकि पहले बड़ा जो है अजीब सा हो गया था कि काउंटर के ऊपर, जो है किचन के काउंटर के ऊपर मुझे रखना पड़ता था, तो अभी बड़ा क्लीन हो गया। बस सुबह उठ गया सब, आयरा सो रही है अभी, क्योंकि थोड़ा सुबह जल्दी उठ गई थी ये, तो दोबारा सो गया। बस ब्रेकफास्ट के लिए चाय रखी है मैंने अभी, और साथ साथ जो है ब्रेड गर्म करने लगी हूँ। ये जी, ये आयरा मेरे साथ जो है सारे कपड़े जो है तय करवा रही है। बस थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है हमारा तय करने का, कि हम नीचे फेंकते जाते हैं सारे कपड़े, ठीक है। ये सारे वॉश कपड़े जो ड्राई हो गए थे तो मैंने उतारे हैं, और आयरा जो है ना, ये सारे, ये देखें, ये देखें, इनको एक दफ़ा हमने जो है उठा के नीचे फेंका। अब उनको अपनी मर्जी है, मूड है, तो हम इनको ऊपर रख रहे हैं। तो ये कि हमारी एक्टिविटीज़ बहुत मज़े मज़े की एक्टिविटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कराते मामा के साथ, पूरा काम कराते हैं। ये देखें, ऐसे मज़े मज़े के हम काम करते हैं कि बस जी क्या करें, लोगों को पता भी नहीं चलता हम इतना काम भी करते हैं। ये मैडम, इन्हीं के कपड़े मैक्सिमम जो मैंने वॉश किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, तो इसकी थोड़ी सी फुल स्लीव्स की शर्ट्स और यू ना ट्राउजर्स वगैरह जो मैंने वॉश किए हैं, तो ये अपनी शर्ट देख रही है, इसको पता ही इसकी ब्लू शर्ट है। अब इसने कोई गेम बनानी है, बस बच्चे भी ना सही, कोई काम करने बैठूं मैं तो साथ ही एंजॉय करने बैठ जाती है, इसको आता मस्ती करूं मैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि मैंने पैकिंग किस तरह करनी है, सोच यही रही हूँ कि जब ये सोया करेगी ना, तो उस वक्त मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लिया करूँगी, ताकि ये इसके सामने ना हो, वरना ऐसे यकीन सब कुछ ख़राब कर दे। पहले भी जब हम लोग पाकिस्तान से दुबई आए थे, तो जब ये उस वक्त में हमें 10 मंथ्स की थी, 9.5 और 10 मंथ्स की थी, तो ये जब मैं, जैसे ही मैंने वो कार्टन्स जो है ओपन किए हैं, इसने कार्टन्स के अंदर से चीज़ें निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। तो बच्चे तो वाकई नो डाउट शरारतें करते हैं। अब देखें, फिर वही काम कर रहे हैं हम, ऊपर से कपड़े जो है ना उठा के मामा की हेल्प करा रहे हैं। ये देखें, ये मामा की हेल्प हो रही है, ये हेल्प हो रही है कि हम सारे कपड़े जो है ना ऊपर से नीचे फेंकते जा रहे हैं, ताकि अम्मा जो है ना, इस दफ़ा इसके कपड़े काफ़ी शॉर्ट हो चुके हैं। मैं ये देख रही थी इसके कपड़े, कई टी शर्ट्स जो लास्ट ईयर ली थी वो बहुत छोटी छोटी हो गई है इसको, तो अब देखते हैं इसको कितने आते हैं कि नहीं आते हैं। ये देखें जी, चोरी साहब, हम ये अपनी अम्मा के साथ कपड़े तय करा रही थी, मेरे साथ मेरी बेटी। ये देखें, जो मैंने अभी सोफे पे रखे हैं कपड़े, और साथ ही मैडम आई हैं, फटाफट हमला किए, सारे नीचे फेंक दिए, इनके ऊपर बैठ भी रही है मैडम। आ रहे कपड़े ऊपर उठा के रखो, उठाओ इनको, इधर देखो, ऊपर रखो कपड़ों को। आयरू, ये देखें मैडम की एक्टिविटी, ये पूरा इंजीनियर बनने की कोशिश करती हैं अपनी तरफ से, लेकिन चीज़ें ख़राब कर देंगी। अब जो ये टीवी का जो डॉक्टर आ रहा है इस डिवाइस का, मैडम ये उतार के जो है ना चैन से नहीं बैठ रहे, मुझे कह रही लगाएं। बेटा मैं अब लगा रही, इसको उतारना नहीं आपने, ठीक है। इतनी शरारती है ना, इसको बिल्कुल भी चैन नहीं आता, हर चीज़ को पंगा देना मैडम ने ज़रूरी है, बार बार उतार ही ख़राब हो जाएगा, इसको चैन ही नहीं आता। अभी ऑन नहीं हुआ, रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो ऑन ही नहीं हुआ, तुमने पता नहीं क्या किया है, ऐसे कौन करता बेटा, बस छोड़ दो छोड़ दो, आपने शरारत की है ना, वो नहीं चल रहा, बस जी चल गया चल गया चल गया, छोड़ो उसको, ये ऑन कर दिया। अल्लाह, मैंने ऑन करना चाहा तो फिर मैडम ने, मैं अब अडॉप्टर ऊपर कर देती हूँ टीवी के, ताकि जो है ना ये कुछ मस्ती करना बंद करें। बहुत शरारती बच्चे आजकल के, बाज ही नहीं आते, जितना मर्जी रोक लो। अभी कोशिश करी कि किसी तरीके से जो है ना मैं इस पे खड़े हो के, डेस्क के ऊपर स्टूल के ऊपर खड़े होकर जो है ना पंगा करो, तो किस तरीके शरारत करने को। ये देखें, हटो हटो हटो, आज आज हाँ हाथ आया ना, ओ कोई बहुत कोई बहुत कोई बहुत चीज, छोटे छोटे हाथों पे लग, कोई बात नहीं अच्छी। अच्छा, जैसे इसको लगती है ना, तो ये मेरे से ना सिंपथी हासिल करने के लिए ना थोड़ा
देखती है कि भाई माँ मुझे देखे, थोड़ा प्यार कर दे, ठीक है। ओ ये देखें जी, ब्रेड खा रहे हैं साथ साथ हम। और ये कि ये तो हमारा शौक है कि ब्रेड जो है ना, मुझसे मांगती रहती है, भाई थोड़ी थोड़ी जाके देर बाद जाके खाती है उसको। और ये ब्रेड बिल्कुल भी नहीं टेस्टी, बिल्कुल भी नहीं टेस्टी जिसे कहते हैं। लेकिन अब इस वीक जाना था हमने कारीफोर, लेकिन कल गेस्ट आ गए इसलिए हम जा नहीं सके। तो अब ये कि मैं हस्बैंड को कह रही थी कि आज जाएँ और जाके चीज़ें ले आएँ, कुछ चीज़ें हैं जो लानी है, तो मुझे कह रहे थे कि आपने भी चलना है। मैंने कहा नहीं, अब मसला ये होता है कि जाएं हम लोग तो फिर आयरा साहिबा शरारतें करने लग जाती हैं और थका देती हैं, और वही बात है ऑफिस के बाद जो है हस्बैंड के पास इतना टाइम भी नहीं होता, अब थक भी वो जाते हैं, तो मुझे भी होता है कि उनको ना ज़्यादा तंग करूं, डिस्टर्ब ना करूं ज़्यादा, ख्याल रखूं इस चीज़ का कि बस वो खुद ही जाके ले आए तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि आयरा के साथ जाएँ फिर टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसको संभालने में बहुत टाइम लगता है, ये मस्तियाँ करने लग जाती है, वापस ही नहीं आना चाहती। ये कहती है मुझे छोड़ दो मैं खेलूँ, इधर से उधर जाती है। एक दफ़ा तो ये कारीफोर में इसको उतार दिया, तो जाके जी उन्होंने फिर आयरा साहिबा ने मस्तियाँ करना शुरू कर दी, तो एक बॉटल इसने तोड़ दी थी। तो ये कि यूँ फिर किसी का नुकसान करना भी तो अच्छी बात नहीं होती ना। तो फिर ये कि मेरी कोशिश होती कि अगर कारीफोर में कोई ग्रॉसरी में या मेरे हस्बैंड कर रहे होते हैं, या तो ये कार्ट के अंदर बैठी रहे, अदरवाइज ये कि बेहतर ये है कि अगर नहीं बैठी रहती ज़्यादा देर, तो बस फिर ये कि इसको मैं लेके ना कारीफोर से बाहर आ जाती हूँ, कि चलो मॉल में खेलती रहे, देखती रहे चीज़ें, ये वो फिर खेलती रहती है, इधर से उधर भागती है, मस्तियाँ कर रही होती है, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है अपना कहीं लगी होती है। तो बस बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और बहुत मुश्किल भी हो जाता है माओं के लिए। वही बात है कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनको पता होता है, जिनके स्पेशली शरारती बच्चे होते हैं, तब ये बहुत नॉटी है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉटी है, हर जगह इसको चाहिए होती है मस्तियाँ करने के लिए। और ये कि ये वही चीज़ समझ सकते हैं जिनके इस साइज़ के बच्चे होते हैं। मुझे अब समझ आती है कि जब ये तकरीबन 8-9 महीने के होते हैं, जब तक सिर्फ बैठे होते हैं, आराम से बैठना सीखते हैं, उस वक्त तक ठीक होते हैं, अभी चलना शुरू करते हैं अब तो देखें ना, बार बार जाके कभी वो डॉक्टर बेचारे को मैंने उतार के वो देखें टीवी के ऊपर रख दिया, क्योंकि मैडम जा जा के उसको बार बार जो है ना उतारती हैं, मस्तियाँ करती हैं, खींचती हैं। तो ये कि बस पहले हमने नहीं फिक्स कराया हुआ था, तो उस वक्त ये था इसके हाथ में नहीं ये चीज़ें आती थी, काउंटर पर पड़ी हुई थी, तो अब तो फिक्स कराया, तो अभी नीचे से डॉक्टर देखें यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से उतार देती, मस्ती करती है। पैरा को भी बस मैं बात देख के लेके आई थी, तो ये कि मैंने कहा बस के बाल ड्राई करती हूँ, ये साथ साथ कार्टून देख रही थी, मैंने कहा चले मैडम के बाल ड्राई कर दूँ। देखिए जी आयरा साहिबा जो है ना अपने लोशन को लेके फेर रही है, बड़े मजे से बाल। ओ ये क्यों गिरा दिए, उठाओ उसको, सॉरी बोलो, नो सॉरी करो। ये जी आयरा सब खड़े होकर अपने बाबा का वेट कर रही है विंडो में, साथ साथ पश्तो भी बोल रही, क्योंकि हमें पश्तो आती तो नहीं है लेकिन हम पश्तो बोल रहे होते हैं उर्दू या पंजाबी या इंग्लिश कुछ भी नहीं, सिर्फ पश्तो बोलते हैं हम। आयरा क्या बोल रही हो? ओके जी, फिर क्या हुआ? ओ माय गॉड, फिर क्या हुआ? अच्छा कई दफा मैं कोई बात कर रही होती ना, तो मुझे लगता है इसने सेम वही बात रिपीट की है। ये क्या तुमने अपने ट्राउजर को ऊपर चढ़ाया होता है, शॉर्ट्स बनाई हुई है, ये अपनी इचिंग कर करके ना इसने ट्राउजर को इतना ऊपर किया होता है। मैंने भी टीवी शीवी बंद किया, क्योंकि टीवी जो है मैडम इतना छेड़ती है ना, ये यकीन करेंगे। देखें ये डॉक्टर मैंने ऊपर रख दिए क्योंकि ये बहुत तंग करती है, डॉक्टर तो खींच खींच के। आयरा किधर है? आयरा क्या कर रही हो बेबे? वाह 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 वाह, सारी तुम्हारे अंदर से इनर निकला हुआ बाहर। ये देखिए मौसम काफी बदल गया, बहुत अरसा हो गया, महीने से ऊपर हो गया, हम लोग इस तरह बाहर निकले नहीं है, कहीं कोई किसी पार्क वगैरह भी नहीं गए, कहीं नहीं गए। ये है कि बस इंशाल्लाह टाइम निकालेंगे, मैं यही सोच रही थी कि हस्बैंड को कहूँ ही निकलें अपना, क्योंकि शिफ्ट हो जाना शारजा, तो फिर बेहतर ये कि एटलीस्ट फैल लें दुबई भी हम लोग। फिर वही बात है कि अभी टाइम नहीं है तो बाद में कहाँ से टाइम निकाल के इधर आया करेंगे फिरने के लिए। लेकिन ये कि जाने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा यहाँ से, हस्बैंड भी यही कहते कि यहाँ से जाने को दिल नहीं कर रहा। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पर ना, अलहमदिल्ला नीचे सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर ही बिल्डिंग में। ये क्या कर रही हो आयरा? पीकबू खेल रही हो? पीकबू पीकबू आयरा क्या कर रही है?
नाजी होगी, मुझसे नाराज होगी हो? शरारत तो आप कर रही थी ना बाबा, टीवी ऑन ऑफ कर रही थी नीचे से। पिकबू, कितने मज़े से बैठी, नीचे बैठी जो है टीवी देख रही है, और पहले इस नैपकिन को पकड़ के ना फ्लोर के ऊपर सफाई कर रही थी, और अब जो है ना बैठ के टीवी देख रही है। आयरा पीछे आ जाओ, आयरा इधर बैठो, इधर आके सोफे पे बैठ जाओ, ये भी ठीक है, नीचे बैठ के आराम से ज़मीन पर बैठ के टीवी देखें। आयरा आयरा आयरा, बस ये आयरा।